गली गली सब्जी बेचने वाला चूना राम कैसे बन गया सरकारी टीचर, पढ़े सफलता की कहानी। इनकी इस सफलता के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चूना राम ने गली गली सब्जी बेचने के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। हालात का सामना करते हुए की गई पढ़ाई का नतीजा आया तो चूना राम के पिता की आंखों में आंसू आ गए और सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जी हाँ, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सब्जी का ठेला चलाकर अपने और अपने परिवार के लिए रोटी का जुगाड़ करने वाला युवा चूना राम अब टीचर बन गया है। चूना राम अपने पिता धीरा राम के साथ गली गली सब्जी बेचने के साथ साथ शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहा था। और आपको बता दें कि चूना राम की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव चाड़ी में हुई और उसके बाद बाड़मेर और जैसलमेर में बीएसटीसी की शिक्षा पूरी की। सब्जी बेचने के दौरान भी चूना राम ने नियमित रूप से 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई को जारी रखा। रीट परीक्षा में चूना राम ने 134 नंबर पाए और अब उनका चयन शिक्षक पद के लिए हो गया है। चूना राम के 2 बड़ी बहनें हैं। चूना राम महज 6 माह का था तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। दोनों बहनों की शादी हो जाने के बाद परिवार में अब माता पिता पुत्री ही है। पिता ने बरसों तक खेतीबाड़ी कर गुजर बसर चलाया, लेकिन जब खेतीबाड़ी से जीवन का गुजर बसर मुश्किल हो गया तो सब्जी बेचने का काम हाथ में ले लिया। धीरा राम करीब 10 साल से बाड़मेर में सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। चूना राम बताते हैं कि कोविड की वजह से उसकी काफी पढ़ाई प्रभावित हुई है और लेकिन उसने परीक्षा के लिए दिन में 6 से 8 घंटे नियमित पढ़ाई की। घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर सके, इसीलिए सेल्फ स्टडी को ही उसने अपनी सफलता का आधार बना लिया। पिता का सपना था कि वो शिक्षक बने और उसने अपनी मेहनत के बदौलत ये कर दिखाया। चूना राम अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए मेहनत कर पिता के सपनों में 4 चांद भरने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। चूना राम की सफलता इस बात को साफ तौर पर सभी के सामने रख रही है कि हालात कभी भी हिम्मत पर भारी नहीं पड़ सकते। तो चूना राम की मेहनत और संघर्ष के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।